हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, सभी लोग आ गए होंगे आई थिंक, और नहीं आए तो जल्दी आ जाइए भैया। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आज ऑनलाइन फ्री स्टडी पर, जिसमें आपको रेलवे, एसएससी, बैंक, एमपी जेल प्रहरी, एसएससी वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम हैं जिसमें आपको आते हैं जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस के क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को हम करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं, आप इस वीडियो को अटेंड करिए, पूरा अटेंड करिए और पूरा देखिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इतना इसका वेटेज है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, बहुत बार आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब तक स्टूडेंट आते हैं, तो मैं एक इन्फॉर्मेशन बता दूँ आपको कि भैया आरआरबी एनटीपीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है एप्लीकेशन स्टेटस को लेकर। तो फ्रेंड्स, आपने अगर नहीं देखा है तो कोई वेबसाइट खोलिए, आरवी एनटीपीसी पर जाइएगा, उस पर जो है स्टेटस दिख जाएगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं इस वीडियो में, इससे पहले एक वीडियो डली है ऑनलाइन फ्री स्टडी में, उस पर आपको डेट्स बताई हैं कब से जो है वो ओपन होगा, कब जो है उसकी लास्ट डेट है। तो वो सारी वीडियोस में जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना, कि मॉडिफाई लिंक आएगी या नहीं आएगी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के इससे पहले वाली एक वीडियो डली है ऑनलाइन फ्री स्टडी, उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स, जितने भी लोग आ गए हैं सभी के लिए गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और वेलकम ऑनलाइन फ्री स्टडी। चलिए, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, जिससे क्या है आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाए, आप क्वेश्चन हैं आपके सारी जो क्वेरीज हैं वो सारी सॉल्व हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग आ गए हैं तो सभी के लिए गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी स्टूडेंट हैं, ये आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर ये दिख रहा है, ये नोटिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी डाल दिया है, वीडियो डाली है, तो इसको देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन फ्री स्टडी पर जो हमारी महासंग्राम वाली क्लास है। चलिए, कितने स्टूडेंट आ गए, अभी एक ही स्टूडेंट दिख रहा है मुझे। तो फ्रेंड्स, वीडियो क्या कर दीजिए, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ होमोग्लोबिन इज द बॉडी इज, यानी कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। आंसर कमेंट करना है, शुक्ला जी ऑप्शन सी आया है, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा, शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वह क्या होता है, आंसर देना है, कमेंट करिएगा। ऑप्शन सी आया है, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा, इसका एक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन जो रहेगा हीमोग्लोबिन फंक्शन रहेगा, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, विशालकाय पांडा का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है, यानी कि आपको बताना है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जायंट पांडा, आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे क्या रहेगा इस प्रश्न का उत्तर। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर और लाइक भी करिएगा, और मैंने स्टार्ट में बता दिया आरआरबी एनटीपीसी का एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में, तो उसको भी देखिएगा उस वीडियो को, इस वीडियो को जब बाद में आकर देखिएगा, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं डिटेल में। ओके, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे सभी लोग, क्या रहेगा आपका प्रश्न। ओके, प्रश्न का उत्तर आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे क्या रहेगा, चलिए आंसर दीजिए भाई। ऑप्शन डी आ रहा है, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा इस प्रश्न का, क्या होने वाला है इसका जो उत्तर होगा वो होगा वन। ओके, आलूर पौधा मेल नोंग ले आउट का इस प्रकार का नाम है। ओके, साफ नहीं दिख रहा है, अरे भाई इतने बड़े बड़े फॉन्ट में लिखा है अंजलि जी, साफ तो दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, इसको ऐसे बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखने लगा होगा साफ, ठीक है। ओके, अब दिख रहा है साफ, कोई दिक्कत है, मे भी हो सकता है नेटवर्क की वजह से साफ नहीं दिख रहा हो, तो अब दिखेगा साफ, कोई बात नहीं है। चलिए, ऑप्शन आएगा वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, इस प्रकार का जायंट पांडा होता है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, CDMA का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ CDMA क्या है। ओके, चलिए, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ CDMA, आंसर कमेंट करें क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। सभी को जो है क्वेश्चन विजिबल होगा, आराम से दिख रहा होगा, चलिए आंसर कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में आंसर दीजिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है और स्टूडेंट भी थर्ड है, यानी कि तीन है, तो इसको बढ़ाइए और आंसर कमेंट करिए, चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑन योर स्क्रीन, आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर टू, वी नहीं आएगा, ओके, ए नहीं आएगा, ऑप्शन सी नहीं आएगा, ऑप्शन आएगा यहाँ पर बी। यहाँ पर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इज अ फुल फॉर्म ऑफ CDMA। ओके, चलिए
अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, कमेंट करिए, आंसर दीजिएगा। बड़ा वीडियो बनाने का मेरा शौक नहीं है भैया, लेकिन स्टूडेंट नहीं आते इसलिए थोड़ा सा मैं शांत हो जाता हूँ, जो है स्टॉप हो जाता हूँ, मतलब थोड़ा स्लो हो जाते हैं। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएँ हैं? आपको बताइए इसमें से कौन सी जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएँ हैं। आंसर देना है अग्नाशय कोशिका कहेंगे, शुक्राणु कहेंगे, या तंत्रिका तंत्र कहेंगे, या यहाँ पर एपिडर्मल सेल कहेंगे। आंसर तो हमें कमेंट करिएगा। ऑप्शन आ रहा है शुक्ला जी, ऑप्शन सी, वेरी गुड। ओके सुनील जी, ऑप्शन सी आ रहा है, वेरी गुड। एनी वन को आंसर कमेंट करेगा क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर। और भैया देखिए, सुनिए मेरी बात, एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आप ऑनलाइन फ्री स्टडी को फॉलो कर रहे हैं, ऑनलाइन फ्री स्टडी पर क्लासेस देख रहे हैं, मेरी जी की क्लास देख रहे हैं, तो प्लीज़ 9:11 बजे आपकी रीजनिंग क्लास आती है पंकज सर की, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, देखिए वो पहले से उनका एक्सपीरियंस है लगभग 5 साल का, तो प्लीज़ उनको जो थोड़ा बहुत जो आप अपने आप को टाइम दीजिए। आप जो है अगर इसको इनकी वीडियो देखेंगे डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, एग्ज़ाम में आप उनके क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिकली देख पाएंगे, ठीक है? मतलब उनको क्वेश्चन को कर पाएंगे। और 9 बजे जो है उनकी मैथ की क्लास, ये थी मैथ की क्लास भी अटेंड करिए। चलिए, सेल इज अ लॉन्गेस्ट जो होती है कोशिकाएं यहाँ पर रहती हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल क्या, चलिए आंसर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज़ उनसे कह रहा हूँ कि आइए और वीडियो कर अपने इस वाली वीडियो को भी शेयर करिएगा, और जितनी वीडियोज होती हैं अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिल्कुल सुन लीजिए, जल्दी जल्दी कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, जो आपको दिए हैं डिसीज दिए हैं एक साइड दिए हैं रोग, ओके सॉरी रोग नहीं दिए, एक साइड डिसीज दिए हैं। ओके गुड इवनिंग, बिल्कुल। अरे भैया चलिए सुनील जी, आप कह रहे हैं जल्दी कराइए, जल्दी तो हम करा दें, लेकिन स्टूडेंट भी तो जल्दी आए ना, आपकी कमेंट भी जल्दी आए। अगला क्वेश्चन करिए, इसका आंसर दीजिए। जीभ दिया है और रोग दिए हैं, आंसर कमेंट करना है। चलिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, आंसर कमेंट करिए। तो यहाँ पर उत्तर आएगा 1 इज अ करेक्ट आंसर, ओके ऑप्शन 1, बिल्कुल शुक्ला जी, ऑप्शन 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। जो मलेरिया होता है वह किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है? ओके पोलियो किससे होता है? पोलियो होता है विषाणुओं से, यानी कि वायरस से। ओके ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय जो होता है, क्षय रोग जो होता है वह होता है जीवाणुओं से। और यहां पर जो है रिंग वर्म जो होता है वह किससे होता है? वो फंगी से होता है, कवक से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये आपके पास क्वेश्चन क्या है भैया, आंसर बताइए क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मछली एक जमे हुए झील के अंदर जीवित रह सकती है, ऐसा क्यों है? क्या क्वेश्चन है? फिश कैन सर्वाइव इनसाइड अ फ्रोजन लेक बिकॉज ऑफ, आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे क्या रहेगा इस प्रश्न का उत्तर। वीडियो को शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए आंसर दीजिए। यह महासंग्राम वाली वीडियो है और ऐसी वीडियोस में आपको लेके आऊंगा हर दिन, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर देखिए और इस वीडियो को भी इस वीडियो को शेयर भी करिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, कितने लोग कर पाएंगे, आंसर दीजिए कमेंट करिए। चलिए कमेंट करेंगे कितने लोग यहाँ पर कमेंट कर पाएंगे। चलिए ऑप्शन सी आ रहा है, शुक्ला जी बताइए, अंजलि जी आंसर दीजिए, और अशोक जी और सुनील जी आंसर कमेंट करें। क्या आएगा? आंसर आएगा 3rd नंबर। तो मछली झील के नीचे चली जाती है जहाँ पानी जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और इसलिए वह जम नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या आएगा? बी सी आएगा ऑप्शन। क्या आएगा भैया? सी आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्या भैया, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? ओके क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से क्या रिलीज किया जाता है या क्या जारी किया जाता है, रिलीज मतलब छोड़ा जाता है, आंसर कमेंट करना है। ओके दिखाई नहीं दे रहा भैया, ऐसा क्यों है? दिखाई नहीं दे रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों है? दिखाई नहीं दे रहा भाई, किसी को दिक्कत आ रही है? किसी एनीवन किसी को वीडियो में दिक्कत आ रही है, दिख नहीं रहा है, वीडियो सही नहीं चल रही है? मेरे यहाँ पर वीडियो बिल्कुल सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके एक बार रिफ्रेश कर लीजिए अंजलि जी, चलिए दिख जाएगा, कोई बात नहीं है। बड़े बड़े फॉन्टों में है यहाँ पर, ऑप्शन आएगा 2 ऑक्सीजन करेक्ट आंसर है, क्या रहेगा? ऑक्सीजन करेक्ट रहेगा। चलिए ओके तो यहाँ पर ये इसके बारे में लिखा है। ओके जो होते हैं पौधे जो होते हैं ग्लूकोज के उत्पादन जो है उत्पादन यानी कि जो छोड़ते हैं, ठीक है, उत्पादन के लिए के रूप में प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं। वे सूर्य के प्रकाश जो ऊर्जा को हवा में पानी हवा से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसका उपयोग ऑक्सीजन और ग्लूकोज को का उत्पादन यानी कि उसको प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं। तो भैया क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O इक्वल टू बनता है आपका 6H2O6। ओके C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बना और छोड़ा क्या? उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ी, ठीक है? सभी लोग समझ गए, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखिए क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? के क्या क्वेश्चन है? द ऑप्टिकल फाइबर वॉज इन्वेंटेड इन विच ईयर, आंसर देना कमेंट करिएगा।
क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर? तीन लोग हैं भैया, इस वीडियो की बर्थ बहुत ज्यादा है, आंसर कमेंट करिए क्या रहेगा। चलिए कमेंट करिए, चलिए फ्रेंड्स आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या होगा, आंसर दीजिए। किसी को नहीं पता तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन आएगा वन 1956, ऑप्शन वन आएगा। अगला इसके बारे में देखिएगा, 1956 में सिंह कापानी, क्या सिंह कापानी यानी कि यूके स्थित भौतिक वैज्ञानिक थे ये, द्वारा फाइबर ऑप्टिकल शब्द का जो है शब्द को पढ़ा गया था, कितने में, 1956 में सिंह कापानी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, आंसर देंगे कमेंट करेंगे, ये कुछ दिन पहले ही मैंने बताया है, आंसर दीजिए कमेंट करेंगे क्या रहेगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए वीडियो भी शेयर करिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। आगे अगले क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए कमेंट करिए क्या होगा। तीन स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, और थोड़ा शेयर करिए अपनी ओर से, लाख जी का आंसर आ गया, बहुत अच्छा। अंजलि जी आंसर दीजिए, ओके। अशोक जी, जितने भी स्टूडेंट हैं आ गए हैं, शिव जी अगर आप आए हैं, आपको ऑनलाइन फ्री स्टडी पे देखिए अगर वीडियो देख रहे हैं, और सुनील जी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करिए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर, यह आएगा पेरिस फ्रांस में जो है इसका क्या है मुख्यालय है यूनेस्को का, ओके। क्या है मुख्यालय है यूनेस्को को कहें, अभी अभी बता दूं आपको, देखिए पिंक सिटी यानी कि जो पिंक सिटी हमारी उसको जो यूनेस्को ने शामिल किया है, और जो है हैदराबाद की बिरयानी, और जो आपका मुंबई की जो जो सिनेमा घर है उनको भी, जो है मुंबई की जो फिल्म सिटी है उसको भी अपने संरक्षण में रखा है, ठीक है, ओके। तो ऐसी बात नहीं संरक्षण, वो नॉन उस वाली कैटेगरी है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का समृद्ध स्रोत है, ओके। तो विच ऑफ फॉलोइंग आर अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, आंसर देंगे कमेंट करेंगे, फल होगा, सॉरी फली होगी यानी कि बीन्स होते हैं, या राइस होगा, या चना होगा, या मूंगफली होगा, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा, ओके। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का समृद्ध स्रोत होते हैं, शुक्ला जी का आंसर आ रहा है डी, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा क्या आना चाहिए, मैं इसको क्लियर कर दूंगा, जो भी डी ऑप्शन कर रहा है या बी ऑप्शन कर रहा है या सी ऑप्शन कर रहा है क्या इसका आंसर होगा, तो इसका उत्तर जो होने वाला है वह होगा टू इज द करेक्ट आंसर, कुमार जी कृष्ण कुमार जी ऑप्शन आएगा टू, चना आएगा, चना क्यों आएगा, ओके सॉरी चना नहीं चावल आएगा, चावल क्यों आएगा, देखिए चावल इसलिए आएगा, चावल में लगभग 90% कार्बोहाइड्रेट, 8% प्रोटीन और 2% वसा होने के कारण ये जो है चावल, तीन पोषक तत्व होते हैं इसमें, इसलिए ये रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का, समझ गए। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या है, ओके। मॉरिशियस की राजधानी क्या है, ओके, वेयर इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशियस, या कहें व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशियस, आंसर देंगे कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया अंजलि जी, क्रिश जी आंसर दीजिए, स्वाति जी, जितने भी स्टूडेंट अभी तक आ गए हैं वीडियो को शेयर करिए, अगर अच्छा लग रहा है लाइक करिएगा, आंसर दीजिए कमेंट करें क्या होगा। चलिए शुक्ला जी बहुत अच्छे, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी अगर दिक्कत है तो आप मुझे बोल सकते हैं, या टेलीग्राम पर डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं कि ये दिक्कत है तो आंसर कमेंट करिए। और जितने भी स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो है फॉर्म भरा था उनके एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में मैंने बता दिया है, एप्लीकेशन स्टेटस की वीडियो पड़ी हुई ऑनलाइन फिशरी पे, तो उसको देखिएगा, और आरआरसी ग्रुप डी का जो हम सपोर्ट कर रहे हैं उसके स्टेटस और के जो रिजेक्ट डेट है, ओके रिजेक्ट फॉर्म है इसके लिए, तो उसके लिए भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन फिशरी एक बार चेकआउट करिएगा भैया। तो चलिए यहां पर आएगा आंसर ऑप्शन वन, पोर्ट लुइस इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, क्या आएगा पोर्ट लुइस आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, क्या है, इनमें से कौन सा मानव मस्तिष्क का भाग है, ओके, विच ऑफ फॉलोइंग इज आईज इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मतलब मानव का कौन सा भाग है, या कौन सा जो मानव का कौन सा मस्तिष्क का भाग जो है, इसमें से आंसर देना है कमेंट करिए, ओके। ऑप्शन बी आ रहा है साहू जी, बहुत बढ़िया, शुक्ला जी क्रिश जी एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा क्या आएगा। भाई जिस व्यक्ति जो है छोड़ कर जा रहे हैं वीडियो, तो उनसे कहूंगा वीडियो अटेंड करके देखिए एक बार, ठीक है, आंसर कमेंट करिए क्या आएगा। इसका जो उत्तर आएगा वह आएगा फोर, सारे के सारे जो है सेरेब्रम सेरे, ओके ओके बिल्कुल ऑप्शन फोर, बिल्कुल क्रिश जी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा आपके पास क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है पढ़िए देखिए, टमाटर जो है ना टमाटो में होता है, टमाटो में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ओके ऑक्सिलिक एसिड पाया जाता है, या मैलिक एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आया है, बताना है, चित्र भी छपा है आपके लिए, थोड़ा सा मैंने आपके लिए इंटरेक्टिव बनाने के लिए जो है ये करा हुआ है। तो फ्रेंड्स वीडियो में इतनी मेहनत करी है, लेकिन उस मेहनत का फल आपसे जो है कम मिल रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए ऑप्शन बी आ रहा है, वेरी गुड।
एनी वन क्रिश शुक्ला एनी वन क्लास कमेंट करेगा क्या आएगा। चलिए तो आंसर क्या रहेगा, उत्तर रहेगा हमारा थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। ओके थर्ड रहेगा ऑक्सिलिक एसिड यहाँ पर होगा, नहीं ऑक्सिलिक एसिड जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पर, सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन डबल चेक्ड हैं, कोई बात नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओके विधायी शक्तियाँ निहित होती हैं, ओके ओके लेजिस्लेटिव जो पावर है आर ओके वेस्टेड इन द, आंसर देना है कमेंट करिए। तो यहाँ पर क्या राष्ट्रपति के निहित होंगी या संसद होगा या प्रधानमंत्री आएगा या न्यायपालिका जुडिशरी आएगा। ओके ऑप्शन शुक्ला जी बहुत अच्छे, क्रिश सॉरी और अंजलि जी आंसर दीजिए कमेंट करेंगे, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए, क्रिश जी का ऑप्शन वन आ रहा है और शुक्ला ऑप्शन बोल रहे हैं बी। तो क्रिश जी वेरी गुड, यहाँ पर आएगा राष्ट्रपति आएगा, क्या आएगा राष्ट्रपति आएगा, ऑप्शन आएगा विधायी शक्तियां किसके पास होती है राष्ट्रपति के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, कितने बंदरगाह विहीन राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। यह क्वेश्चन आपसे बहुत कम लोगों ने पूछा होगा, लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसे कितने बंदरगाह हैं, ऐसे कितने राज्य हैं यहां पर बंदरगाह नहीं है और प्लस वहां पर अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगते हैं, कितने हैं। देखिए ऐसे राज्य जिसमें नहीं है, मतलब कि इसमें जो है जो किसी भी इंटरनेशनल सीमा को बॉर्डर को नहीं छूते हैं वो है 20 एक, ओके। और अब आपको बताना है इससे अंतरराष्ट्रीय सीमा भी नहीं छूते हैं और बंदरगाह भी नहीं है, तो वहां से कमेंट करिएगा ऑप्शन आ रहा सी। वेरी गुड एनी वन शुक्ला जी और क्रिश जी आंसर कमेंट करें क्या रहेगा इस प्रश्न का उत्तर। तो उत्तर आएगा 5 ऐसे राज्य हैं, तो 5 कौन कौन से राज्य हैं, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और झारखंड, ये येलो में जो दिख रहा है वो सारे कैसे हैं, ऐसे 5 राज्य हैं जो जिसपे कोई भी जो है आपको समुद्र यानी तटरेखा नहीं है प्लस उन पर कोई भी इंटरनेशनल की बॉर्डर नहीं है, ओके। यहाँ पर ये सारे लिखे हैं और 20 ऐसे बंदरगाह हैं, बंदरगाह राज्य हैं, वो बंदरगाह विहीन राज्य में लिखे हैं जिस पर कुछ लाइनें हैं बंदरगाह नहीं है, जिस पर बंदरगाह नहीं है, ठीक है। और इनमें से कुछ आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं जो आपको जिसमें उनके पास, ओके बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की आबादी न्यूनतम है, विच स्टेट एंड यूटी इन इंडिया हैज द लीस्ट पॉपुलेशन, दिल्ली रहेगा, सिक्किम रहेगा, दमन दीव रहेगा या लक्षद्वीप रहेगा, सबसे कम पॉपुलेशन वाले राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ओके प्रदेश कौन सा, उत्तर प्रदेश है, सभी को पता है। और सबसे बड़ा जो है कहें क्षेत्रफल में तो वो राजस्थान है, ऑप्शन आ रहा है वी। वेरी गुड एनी वन, कोई आंसर कमेंट करेगा इस प्रश्न का क्या आएगा उत्तर। और फ्रेंड्स अगर आपके दिल से ये आवाज़ आ रही है कि ये वीर क्वेश्चन अच्छे हैं, बढ़िया आपको अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आंसर आएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। डी आएगा, सी नहीं आएगा, डी आएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपके पास, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, आंसर दीजिएगा राइट टू इक्वलिटी, ओके राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन या राइट टू प्रॉपर्टी, आंसर दीजिएगा राइट टू प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये भी प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आंसर देंगे कमेंट करेंगे क्या रहेगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए सभी लोग बताएंगे ओके ऑप्शन डी आ रहा है शुक्ला जी, वेरी गुड एनी वन क्रिश अंजलि, कोई और आंसर कमेंट करेगा, वीडियो नहीं बढ़ रही है भैया, सिर्फ 3 स्टूडेंट देख रहे हैं, थोड़ा सा जो है आप अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ इस वीडियो को 1 मिनट निकाल कर वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए इसका जो उत्तर होगा वो 4 होगा जो कि बिल्कुल सही है। तो भैया तो हमारे मौलिक अधिकार हैं 11 मौलिक अधिकार हैं, उनमें से जो है आपको बता दूं इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, पहले हटा दिया गया है ओके, काफ़ी समय हो गया इसको हटाए हुए, ऑप्शन आएगा 4। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका द्वीप जिसे पहले किसके नाम से जाना जाता था, यानी कि आपको बताना श्रीलंका का पहले जो नाम था उसका आपको नाम बताना है क्या था, क्या मेडागास्कर इसका नाम था या इसका नाम तस्मानिया था या सिलोन था या वोनियाओ था, आंसर दीजिए कमेंट करें इसका पहले जो पिछला नाम था उसका नाम बताएं क्या रहेगा इसका नाम, ऑप्शन आ रहा शुक्ला जी ऑप्शन ए, वेरी गुड शाहू आंसर कमेंट करें, चलिए कृषि आंसर कमेंट करें क्या होगा इसका क्वेश्चन का आंसर, आंसर दीजिए कमेंट करिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3 आएगा, ये होगा सिलोन आएगा, सिलोन इज अ करेक्ट आंसर, क्या रहेगा सिलोन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो भैया देखिए
क्या है क्वेश्चन हमारे पास, देखिए जो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, क्या है ग्रीनलैंड की बात करें, द्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा, आइसलैंड होगा ग्रीनलैंड, ठीक है। और बोर्नियो जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और एशिया में सबसे बड़ा द्वीप है, तो अगर एशिया में सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो बोर्नियो है, ओके, वो भी और तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा है और दुनिया का सबसे बड़ा पूछा था तो ग्रीनलैंड है, ठीक है, समझ गए सभी लोग। आगे बढ़ेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नहीं किया तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से टेलीग्राम यहाँ पर लिंक लिखा हुआ, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए क्या हमारे लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव लाया गया था, तो वहां से कमेंट करना है किस अधिवेशन जो है, किस उसमें जो है इसको लाया गया और किस सन में लाया गया, आंसर सभी को कमेंट करने हैं। चलिए बहुत बढ़िया, एनी वन को आंसर कमेंट करेगा, शुक्ला जी का आंसर आ गया बहुत अच्छे, क्या रहेगा, वेलग्राम 1924, लाहौर 1929, कराची 1931 या क्या क्या, या फिर फौजपुर आएगा 1936। आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग, बताएंगे भाई इस प्रश्न का उत्तर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करते जाइएगा। आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन सी, शुक्ला जी बिल्कुल सही, अनिल जी बिल्कुल सही है, कराची 1931 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है भैया, देखिए 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है, 20 अगस्त जो होती है उसे हम किस रूप में मनाते हैं, कृषि, ऑप्शन सी था पिछले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा किस रूप में, या का वर्ल्ड पीस डे होता है, इंटरनेशनल यूथ डे होता है, ओके, या सद्भावना दिवस होता है, या फिर नेशनल स्पोर्ट डे होता है, आंसर कमेंट करेंगे 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है, सभी कमेंट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कई बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और 20 अगस्त के बारे में पूछा है, तो आंसर कमेंट करेंगे, किसी को नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, इसका जो आंसर रहेगा वो थर्ड रहेगा, सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्या है, ऑप्शन आएगा सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा है, क्या क्वेश्चन है भैया, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, दिल से अच्छा लग रही है भैया वीडियो, तो वीडियो शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, या फिर फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है, आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे, ओके, हिपोक्रेट्स, ओके, जॉन एडवर्ड साल्क, या स्टेनाच, या फिर अनेर्स्ट, ओके, अनेर्स स्टर्लिंग, तो आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग, क्या रहेगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए क्वेश्चन एकदम बड़े अक्षरों में दिख रहा होगा, ओके, विजिबल होगा, आंसर कमेंट करेंगे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या है, आंसर दीजिए कमेंट, चलिए चलिए दोस्तों आंसर दीजिए कमेंट करें, इस करेक्ट आंसर ये आएगा, हिपोक्रेट्स को जो है फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, ऑप्शन आएगा वन, ओके, फादर ऑफ जो है शास्त्र जो है यहाँ पर मेडिसिन कहा जाता है, ऑप्शन आएगा यहाँ पर वन, चिकित्सा शास्त्र का जो है जनक कहा जाता है, चलिए ऑप्शन आएगा वन, ऑप्शन आएगा वन, ठीक, कोई बात नहीं कृषि। अगला क्वेश्चन है, चलिए कई बार पूछा गया अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है, टाटा मूलभूत अनुसंधान संसाधन कहाँ पर है, वेयर इज द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है, आंसर देना है, कमेंट करेंगे सभी लोग, बताएंगे क्या ये टाटा में है, या नई दिल्ली में है, ओके, या फिर मुंबई में है, या चंडीगढ़ में, चलिए आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग, बताएंगे भैया क्या रहेगा इस प्रश्न का उत्तर, चलिए क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कमेंट करिए क्या रहेगा। फ्रेंड्स बहुत कम स्टूडेंट हो गए हैं, थोड़ा वीडियो शेयर करिएगा भैया, ओके, ऑप्शन आ क्या रहा है भाई, ऑप्शन आ रहा है वी, वेरी गुड, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी में से क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा, ऑप्शन आएगा सी इज द करेक्ट आंसर, क्या आएगा, मुंबई आएगा, सी करेक्ट आएगा, क्या होगा, सी करेक्ट है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, देखिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, ओके, बरगद वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या, जो साइंटिफिक नेम है, ओके, वायन ट्री का आपको बताना है इसका साइंटिफिक नेम क्या, चलिए सभी लोगों को आंसर कमेंट करने, एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, आंसर दीजिए कमेंट करिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, चलिए तो इसका जो उत्तर होगा वह आएगा वन, फिकस वैगन लेंसिस, ठीक है, फिकस वैगन लेंसिस इज अ जो है नाम होगा किसका, जो आपका हमारा जो बरगद का पेड़ है उसका वैज्ञानिक नेम है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओके, द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, आंसर दीजिए कमेंट करिए क्या होगा, ओके, जो सेल की स्टडी होती है यानी कोशिका का अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसका आंसर देंगे कमेंट करेंगे, उसे कार्डियोलॉजी कहेंगे, डेमोग्राफी कहेंगे, या साइटोलॉजी कहेंगे, या डर्मेटोलॉजी कहेंगे। संदीप जी ऑनलाइन फिशरी में स्वागत है, 6 बजे हमारी क्लास आ जाती है, तो चलिए ये महासंग्राम वाली क्लास है तो इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन
हैं, तो आएगा आंसर ऑप्शन सी, साइटोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, बहुत बड़े संदीप जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये रहा आपके पास। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, हम किचड़कुत सड़क पर जो है फिसल जाते हैं, मतलब कि जो है मतलब कीचड़ युक्त होती है, मतलब कि मड वाली जो है मडी बिल्कुल मड वाली जो रोड होती है उसमें हम क्या कर फिसल जाते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? कमेंट करेंगे। सुबह इसी जो है इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्लास हमने करी थी, इसमें जो है हमने 10-5-6 क्वेश्चन करी थी इसी कॉन्सेप्ट पे, तो आंसर कमेंट करेंगे। संदीप जी ऑप्शन आ गया वी, वेरी गुड। देखिए जिस प्रकार हमने बोला था कि बर्फ पे हम फिसल जाते हैं, जैसे कि रोड युक्त जो है रोड पर नहीं फिसलते, ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है वो बर्फ में कम होता है, यानी कि यहाँ पर फ्रैक्शन कम होगा वहां पर हम फिसल जाएंगे, वहां पर हम चलने युक्त नहीं होंगे। ऑप्शन आएगा क्या आएगा, वी इज करेक्ट आंसर। चलिए बहुत सही, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे। विषुव शब्द का अर्थ क्या होता है? द टर्म ऑफ इक्विनॉक्स मींस क्या है? आंसर दीजिए, कमेंट करिए, करूंगा इसको। ओके, नहीं दिख रहा है तो दिख जाएगा। चलिए अब दीजिए आंसर क्या रहेगा, विषुव शब्द यानी कि इनॉक्स जो शब्द है यानी कि इक्विनॉक्स शब्द है उसका मींस क्या होता है, आंसर देंगे सभी लोग, कमेंट करेंगे। चलिए कमेंट करिए, बताइए क्या रहेगा स्पेशल पता है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा ऑनलाइन फ्री स्टडी को। आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन और काफ़ी सारे जो स्टडी मटेरियल दे रहा है ऑनलाइन फ्री स्टडी, तो फ्रेंड्स उसका थोड़ा फायदा उठाइए। चलिए आंसर कमेंट करिए, यहाँ पर आंसर होगा वी इज करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, शिवानी के भार्गव जी आपका स्वागत है ऑनलाइन फ्री स्टडी में। आप अगर फर्स्ट टाइम ऑनलाइन फ्री स्टडी की जो है अगर क्लासेस ले रही हैं तो आपके लिए धन्यवाद, और रेगुलर क्लासेस लिए डेफिनेटली यू विल चेंज योर कॉन्सेप्ट एंड योर क्वेश्चंस के, जो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आप जो पिछले क्वेश्चन कर रहे थे उनसे क्वेश्चन आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन याद रखिए, यहाँ पर क्या है, जब दिन और रात समान अवधि होते हैं तो उसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स, यानी विषुव शब्द इसे इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, अकबर का मकबरा यानी टॉम्ब ऑफ जो अकबर है उसका द्वार निर्मित करवाया था, किसने करवाया? आंसर देना है, कमेंट करिए, क्या होगा, अकबर होगा, जहांगीर रहेगा, जोधा बाई रहेगा या बैरम खां रहेगा? इसने इसका जो निर्माण है किसने करवाया था, अकबर का मकबरे का जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया? आंसर कमेंट करिए, कृष जी ऑप्शन आ रहा है वी, शिवानी जी, भार्गव जी आंसर कमेंट करिए, संदीप जी, कृष, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा क्या आएगा? बहुत अच्छे भार्गव जी, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा? ओके अंजलि जी आंसर कमेंट करिए, क्या रहेगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा ऑप्शन रहेगा बी, संदीप जी जहांगीर, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भैया? आएगा वी, कृष जी बिल्कुल सही है वी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, चलिए ओके, थोड़ी बहुत गर्मी बढ़ गई है तो थोड़ा ठंडा हो लेते हैं, कोको कोला पी लेते हैं। क्या है हमारे लिए कोको कोला का क्वेश्चन है, कोको कोला बोलते में कौन सी गैस होती है, सॉरी कोको कोला बोतल में जो है कौन सी गैस होती है, उस कैन में जो होती है वो गैस कौन सी रहती है? आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे, कोई बात नहीं भार्गव जी आंसर दीजिए, संदीप, कृष, अंजलि, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन में से एक, आंसर दीजिए। आज मैंने थोड़े से आपके लिए चित्र भी छाप के रखे हैं तो आपको अच्छा लगेगा। कृषि ऑप्शन वी आ रहा, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भैया, कोको कोला की बोतल में कौन सी गैस कंटेन होती है, तो ये कौन सी गैस होगी? ऑप्शन आएगा सी, संदीप जी, वेरी गुड, कार्बन हाइड्रोक्साइड इसमें होती है, ऑप्शन आएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, ओके, ठोस से सीधे वाष्प में रूपांतरण होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक है, यह जो प्रोसेस है मैंने कई बार बताई है, ओके, प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्ट इनटू अ वेपर, मतलब कि ऐसी कोई आपको युक्ति बतानी है, ऐसा कोई है आप बताना है कि भैया कोई भी चीज़ है उसको गर्म करें तो वो बॉयल ना हो, ठीक है, मतलब कि वो सॉलिड हो तो वो डायरेक्टली वेपर में बदल जाए, कि वो बाष्प बदल जाए, वाप में बदल जाए, ऑप्शन आ वी, वेरी गुड। एनी वन, कृष जी आंसर कमेंट करिए, अंजलि जी, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आप एक शेयर करते हैं, एक ग्रुप में शेयर करते हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट देखेंगे तो डेफिनेटली सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। तो यहाँ पर होगा सबलिमिनेशन ऊर्ध्वपातन इज अ करेक्ट आंसर। तो भैया ऐसी जो है ये जो है प्रोसेस होती है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप जो है किसी भी चीज को करते हैं तो वो सॉलिड हो, ओके, तो उसमें आपको वो भाप में बदल जाती है, लिक्विड में बदलती नहीं है, ऑप्शन आएगा सबलिमिनेशन। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, शनि ग्रह है तो ओके प्लैनेट जो है, ओके आपको बताना है शनि ग्रह एक्चुअल में क्या है, ओके ओके प्लेटो के तुलना में छोटा है, ठीक है,
वरुण से बड़ा होता है या वरुण से अधिक गर्म है या बृहस्पति की तुलना में गर्म है ज्यादा। चलिए आंसर दिए, शनि ग्रह क्या है, ओके है, कैसा है, क्या कूलर देन प्लूटो है या कूलर देन नेपच्यून है, हॉटर देन नेपच्यून है या हॉटर देन जुपिटर है। आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके वीडियो भी शेयर करते जाइएगा, आंसर दीजिए, कमेंट करिए। यहाँ पर जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, जो हॉटर देन नेपच्यून यानी कि वरुण से कैसा है, अधिक गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या है, पृथ्वी की ऊपरी परत मिश्रित है, मिश्रण है, तो आपको बताना है किसका मिश्रण है। आंसर देंगे, कमेंट करेंगे, शायद आपको आंसर भी दिख भी रहा होगा। संदीप जी बहुत अच्छे, एनी वन द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज, आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे। ओके अंजलि जी, अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप, तो ऑप्शन यहाँ पर मेंटल आ रहा है, मेटल आ रहा है, तो थोड़ा और आंसर कमेंट करिए क्या रहेगा। चलिए ओके, क्रिश जी का ऑप्शन डी आ रहा है, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा क्या आएगा, पृथ्वी की ऊपरी परत ज्योति मिश्रण होता है तो किस चीज का मिश्रण होता है, तो इसमें मिश्रण होता है सिली, ओके शियाल जो है इसमें मिश्रण आता है, तो ऑप्शन आएगा वन इज करेक्ट आंसर। चलिए ओके अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कोई बात नहीं, वन बिल्कुल सही है संदीप जी। अगला क्वेश्चन है, बांस को वर्गीकृत किया जाता है, यानी बंबू जो होते हैं उनको हम क्लासिफाइड करते हैं, कैसे क्लासिफाइड करते हैं, कैसे, झाड़ियां बोलेंगे, खरपतवार बोलेंगे, घास बोलेंगे या पेड़ बोल सकते हैं। देखिए बांस जो होते हैं, अरे भाई बांस है यार समझ में नहीं आ रहा भाई, एक्चुअल में ये पेड़ है या झाड़ी है या घास है या खरपतवार या पेड़ है, ये समझ में नहीं आता, लेकिन इसको जो है क्लासिफाइड किया गया है, जो साइंटिफिक जो आपको बताना है उसका नाम क्या है। चलिए ऑप्शन सी आ रहा है, वेरी गुड अंजलि जी, क्रिश जी, संदीप जी, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा। और फ्रेंड्स थोड़ा बहुत भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो अच्छी है तो प्लीज शेयर करिए, जो कि अच्छी है ऑलरेडी। तो ग्रास इज अ करेक्ट आंसर, तो सी आएगा, क्रिश जी बिल्कुल सही है। ओके इसे क्या किस श्रेणी में रखा गया है, ग्रास की श्रेणी में रखा गया है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, टीएमबी किससे रिलेटेड है या टीएमबी जो है किस चीज से संबंधित है, आंसर कमेंट करेंगे। चलिए कमेंट करिए, आंसर दीजिए, क्या ये विषाणु है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, एल्गी है। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए, संदीप जी, अंजलि जी का आंसर रहेगा, कृषि आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे क्या रहेगा इस प्रश्न का उत्तर, आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने चल रही है वो महासंग्राम वाली वीडियो है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं। तो चलिए आंसर आएगा बी, यहाँ पर आ रहा है, संदीप जी ने बोला बी आ रहा है, लेकिन आएगा जो वायरस जो रहेगा वह रहता है जो कि पौधों में लग जाता है, टीएमबी इज अ वायरस ओके जो कि आपके पेड़ पौधों में लगता है, तो आंसर आएगा ए करेक्ट रहेगा, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, नेपच्यून जो है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, ओके न्यूटन के पहले नियम को हम एक नाम से और जानते हैं, द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन ओके ऑल्सो कॉल्ड, आंसर देना ऑल्सो नून एस, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एस भी बोल सकते हैं, आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया बोलेंगे, लॉ ऑफ एनर्जी बोलेंगे, लॉ ऑफ मोमेंटम बोलेंगे, या लॉ ऑफ ओके ओके मोमेंट्स तो नहीं होता, मोमेंटम होता है। ओके ऑप्शन ए आ रहा है, बहुत अच्छे संदीप जी, एनी वन, क्रिश जी का भी आंसर आ गया, अंजलि जी आंसर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज अगर आप आ गए हैं तो गुड इवनिंग सभी के लिए, ऑनलाइन फ्री स्टडी पर बहुत सारी सी क्लासेस जो आपको हेल्प करेंगी, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर आएगा वन इज करेक्ट आंसर। तो भैया जड़त्व का नियम होता है, सुबह वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने रिफाइन करा है, उसी से क्वेश्चन जो है थोड़े से मॉडिफाई करके, और कुछ क्वेश्चन नए हैं आपको जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पर जो है देखिए, आरआरबी भोपाल में क्वेश्चन आया है, कहां पर आया है, आरआरबी भोपाल में क्वेश्चन आया है, जो कि यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री जो सबसे लंबे समय तक कार्य क्लेम में बने रहे थे उनका नाम बताइएगा, 2008 में टीसी का एग्जाम हुआ था उसमें एज इट इज क्वेश्चन आया था। देखिए मैंने सभी क्वेश्चन में ये लिख नहीं पाया है, लेकिन सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आंसर दीजिए, कमेंट करिए क्या रहेगा, मुख्यमंत्री जो सबसे लंबे समय तक कार्यकाल उनका बना रहा, तो बताइए क्या रहेगा, द चीफ मिनिस्टर हु रिमेन इन ऑफिस फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड। तो चलिए क्या रहेगा, किसी का उत्तर नहीं आ रहा, बी आएगा, ज्योतिबा बसु रहेगा, ऑप्शन आएगा बी करेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, बी रहेगा, बी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, काफी समय दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, स्लो चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि ग्रैंड मैन ओल्ड ऑफ इंडिया जो है किसे जाता है, दादाभाई नौरोजी जी को, बाल गंगाधर तिलक को, सरदार पटेल को, या गोपाल कृष्ण गोखले को, भार्गव जी, ऑप्शन आया ए, एनी वन, क्रिश, संदीप, अंजलि जी आंसर दीजिए, सुनील जी आंसर कमेंट करें। हम फास्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, और आपके ये देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, जरूरी है,
मस्त है। तो आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन आएगा वन इज करेक्ट आंसर। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन कहते थे, ओके यहाँ पर कहते थे भैया ग्रांड ओल्ड मैन, भैया सरदार वल्लभ पटेल को लोह पुरुष कहते थे, दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपके पास, क्या है मानव अधिकार दिवस जो है कब के जो है मानव अधिकार दिवस जो है किसके रूप में, जो कि कब मनाया जाता है आपको बताना है, जो एक्चुअल में कब मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 10 दिसंबर। आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का, जितने भी स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लग रही प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी करिए। चलिए चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए भाई। तो उत्तर आएगा हमारा ऑप्शन आएगा 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। ओके ऑप्शन आएगा यहाँ पर डी, संदीप जी, कृष जी, भावना जी, ऑप्शन आएगा डी यानी 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है देखिए पढ़िए, क्वेश्चन बोल रहा है शून्य हावर। ओके तो भैया हमारी जो है विधानसभा जो होती है उसमें शून्य आवर होता है कि अधिकतम समय सीमा क्या हो सकती है। आंसर कमेंट करना व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ जीरो हावर, आंसर कमेंट करिए। 1 घंटा होती है, 30 मिनट होती है, 2 घंटे होती है। फिटनेस दीपक जी आपका स्वागत ऑनलाइन फिस्ट्री में, 30 मिनट आ रहा है। एनीवन कोई आंसर कमेंट करेगा क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा 1 hour इज मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, शून्य हावर की जो 0 hour की मैक्सिमम लिमिट होती है वह होती है 1 hour। ओके चले अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है। चलिए आंसर देना है आपको, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राज्यसभा भंग कर सकता है या इसमें सक्षम होता है। ऑप्शन दें, राज्यसभा का सभापति हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है, या संसद का संयुक्त जो है सत्र कह हो सकता है, या इसमें से कोई भी नहीं हो सकता। दीपक जी का आंसर आ गया, संदीप जी का ऑप्शन बी आ गया, ऑप्शन बी आ रहा है। कृष जी आंसर कमेंट करें, भावना जी आंसर दीजिए, सॉरी भार्गव, ओके आंसर कमेंट करें। चलिए शिवानी जी, ओके कृषि का भी आंसर आ गया, अंजलि जी आंसर दिए, कमेंट करें क्या होगा। तो इसका जो उत्तर आएगा वह आएगा इसमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो कोई भी इसको भंग नहीं कर सकता, ऑप्शन आएगा डी। ओके तो शिवानी जी कोई भी भंग नहीं कर सकता, ऑप्शन आएगा डी, ठीक है समझ गए, ऑप्शन डी करेक्ट है। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार आया और इसको गलत करके 99% जो है, 99 नहीं बोलूंगा, 90% इसमें लगभग गलत ही करके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप सीख लीजिए क्या रहेगा क्वेश्चन, देखिए क्या है। गुड इवनिंग, यहाँ पर भीम यादव जी आपका स्वागत ऑनलाइन फिशरी में। अगला प्रश्न है आपके लिए, हम पढ़ रहे हैं महासंग्राम वाली वीडियो जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपके लिए हु इज इंडिया सेकंड मिस वर्ल्ड, भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड कौन है। आंसर दीजिए रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडेन या मनुषी छिल्लर, मनुषी छिल्लर आंसर दीजिए। चलिए ओके शिवानी जी आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर बताएंगे, कोई बात नहीं अंजलि जी आप आराम से वीडियो देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, या बाद में देख लीजिए, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और अगर देख रहे हैं ओके और शेयर कर रहे हैं तो मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या है। चलिए आंसर दीजिए कमेंट करिए, संदीप जी बहुत अच्छे, ऑप्शन बी आ रहा है, वेरी गुड कृषि, अंजलि और शिवानी जी आंसर कमेंट करेंगे क्या रहेगा आंसर। ओके यादव जी आंसर आ गया, ऑप्शन डी आ रहा है, लेकिन बी आएगा ऑप्शन, संदीप जी बिल्कुल सही है, ऐश्वर्या राय जो है भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड थी। ओके और पहली कौन थी, ये क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहली कौन थी, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी बताइएगा और अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पहली अखिल भारतीय किसान सभा कहाँ आयोजित करी गई थी, वेयर इज द फर्स्ट ऑल इंडियन किसान सभा फॉर्म्ड, आंसर दीजिए। पहली अखिल भारतीय किसान सभा है वह कहाँ पर की गई थी, कोलकाता, लखनऊ, पटना या ढाका, आंसर कमेंट करिए। मैंने आज आपके लिए एमसीक्यूज रखे हैं, ओके एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा, शिवानी जी आंसर करा, वेरी गुड, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा क्या रहेगा इस प्रश्न का उत्तर, वेरी गुड, ओके भीम जी ऑप्शन बी आ रहा है, कृष ऑप्शन बी, वेरी गुड, एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा भाई, जल्दी आंसर कमेंट करिए। तो आएगा बी, लखनऊ में पहले अखिल भारतीय किसान सभा करी गई थी, बिल्कुल सही है। अगला इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए एक जो इन्फॉर्मेशन है, ऑनलाइन फ्री स्टडी का टेलीग्राम ग्रुप है, पीडीएफ वगैरह के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, तराइन का द्वितीय जो है युद्ध कृष्णा, कौन सा सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो है वह लड़ा गया,
कब लड़ा गया बताना है, आंसर कमेंट करना। चलिए, अगर आपने ऑनलाइन फ्री हिस्ट्री वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो 15 क्लासेस हैं विद एमसीक्यूज और एक्सप्लेनेशन के साथ में, ऑनलाइन फ्री प्लेलिस्ट है, उसको जरूर देख लीजिएगा। फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, वैसे मेरी फास्ट ही आवाज़ है, मैं जल्दी ही बताता हूँ, लेकिन आप अगर स्लो भी करें तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें सारी चीज़ें हैं। ओके, ऑप्शन डी आ रहा है, कृषि, वेरी गुड। अंजलि, भीम जी और शिवानी जी आंसर कमेंट करिए, संदीप जी आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर बताएंगे भाई क्या है। चलिए, वीडियो भी शेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन वन, ऑप्शन बी रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर, बी आएगा 1192 AD, क्या रहेगा ऑप्शन बी रहेगा 1192 AD। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चलिए ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है भैया, सी बिल्कुल भी सही है, और स्टूडेंट चले गए हैं तो मुझे पता था कि स्टूडेंट जो है चले आते हैं कई बार, ठीक है, आते हैं फिर चले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर अच्छी वीडियो लग रही तो आप अटेंड करिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 1687 में प्रथम नगर निगम किस स्थान पर स्थापित किया गया था। चलिए, क्या रहेगा 1600, सॉरी इसको बोलने में थोड़ा दिक्कत आता है, 1687 में प्रथम नगर निगम जो है किस स्थान पर जो है स्थापित किया गया था, क्या रहेगा आपको उत्तर। ये लिए बड़ा कर दिया क्वेश्चन, अब आपको और भी अच्छा दिख रहा होगा, आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे, यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आंसर करिए, उत्तर करिए। चलिए, आंसर देंगे, स्टूडेंट चले गए हैं कोई बात नहीं, यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा थर्ड, यहाँ पर आएगा मद्रास, क्या आएगा मद्रास आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको और बड़ा करता हूँ, आपके लिए दिखेगा अगला क्वेश्चन, बिल्कुल अंजलि जी, अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा है, आंतरिक ग्रह में यानी लग के आपको बताना है, आंसर दीजिए दीपक जी, बिल्कुल। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया, इनर प्लेन जो है प्लैनेट में सबसे बड़ा कौन सा है, मर्क्यूरी रहेगा, अर्थ रहेगा, वीनस रहेगा या मार्स रहेगा, आंसर सभी लोग कमेंट करिएगा क्या रहेगा। चलिए, आंसर दीजिए, ओके, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे तो यहां पर जो उत्तर आने वाला है वह आएगा, ऑप्शन आएगा सेकंड, अर्थ रहेगा, क्या रहेगा, अर्थ इज करेक्ट रहेगा। तो भैया आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा है अर्थ, क्या है अर्थ यानी कि हमारा भारत, ओके सॉरी मतलब इन हमारा नहीं सॉरी जो पृथ्वी है वह, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर चार आंतरिक ग्रह हैं जो कि बुध है, शुक्र होता है, पृथ्वी है और मंगल है, जो कोई विशेषताओं को यानी कि कई विशेषताएं इनमें होती हैं और कई विशेषता में साझा करते हैं, ठीक है। ऑप्शन आएगा यहाँ पर बी, बिल्कुल सही है, ये सारी चीजें लिखी हैं तो इनको पढ़ लीजिए, बाकी अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है, निम्न में से कौन सा सही है, विच ऑफ फॉल करेक्ट। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ओके, तो क्या एक्सरे होती है यानी कि सही लंबी तरंग दैर्ध्य एक्स किरण होगी, या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है अल्फा किरण से निकलती है, या लॉन्गेस्ट जो है ओके यहाँ पर न्यूनतम जो है ओके लोएस्ट है न्यूनतम विभेदन क्षमता जो है गामा किरण से निकलती है, इसमें से कोई भी नहीं है, यानी कि सारे सही हैं। चलिए, आंसर देना है, इनमें से कौन सा सही है, आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे क्या रहेगा इस प्रश्न का उत्तर। ओके, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शेयर कर दीजिए, अच्छा लग रहा है लाइक करिएगा, आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो उत्तर आएगा हमारा कौन सा सही है, ओके, तो उत्तर आएगा फोर्थ नंबर हमारा सही है, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सही है, कोई भी नहीं, तो कोई भी सही नहीं है भैया, ऑप्शन आएगा डी, ठीक है। ओके, कल सुबह जो है आपको ये क्वेश्चन थोड़े से मिलेंगे, इनमें से क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, ओके, क्योंकि हम वन बाई वन आपको सिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है भैया, देखिए लिखा हुआ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होती है, तो रेडियो तरंग होती है, ठीक है, आवर्त उच्च, ओके, तो सही बता देते हैं, बिल्कुल दीपक जी सही बता रहे हैं ना, कि कोई बात नहीं है, सही क्या है, उच्च आवृत्ति वाली यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली होती है गामा किरण होती है, ओके, तो यहां पर न्यूनतम विभेदन क्षमता वाली होती है अल्फा किरण, ठीक है, समझ गए सभी लोग, समझ गए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, देखिए पढ़िए, ओके, वायुमंडल में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स 9 बजे आपके लिए मैथ क्लास है, प्लीज मैथ की क्लास अटेंड करिए, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आपके, तो इसको अटेंड करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी है उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। शिवानी जी वेरी गुड, और यहाँ पर दीपक जी आंसर कमेंट करें क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, थर्ड आ रहा है, वेरी गुड, एनी वन को आंसर कमेंट करेगा भैया, ऑप्शन ए आ रहा है, ओके, ऑप्शन सी आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर इज करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे,
ओके इसके बारे में लिखा है, तो एक बार आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट जो है ऑफ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो हाइग्रोमीटर जो है एक मौसम मापी होता है, ठीक है ओके, ये हमने पढ़ लिया, आर्द्रता मापता है ठीक है ओके। और यूडीओ मीटर होता है वो प्रयोगशाला में उपकरण होता है जो कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का बाद जो है गैस मिश्रण का आयतन का परिवर्तन को मापता है ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अगला जो लाइन लिखी है पैराग्राफ है ओके, हाइड्रोमीटर जो है किसी तरल पदार्थ की कुछ विशेषताओं को मापने के लिए एक उपकरण है, जैसे कि इसका घनत्व यानी कि प्रति यूनिट में आता है ओके, या विशिष्ट गुरुत्व यानी गुरुत्वाकर्षण की बात करें ओके, एक साथ प्रति इकाई में आयतन यहां पर लेता है वो ठीक है। सभी लोग समझ गए, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा आपके सामने। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, यानी कि आपको करेक्ट करना है, आंसर देना है, कौन सा सही है, आंसर दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलिए भैया आंसर कमेंट करें, अगर आपको अच्छी लग रही वीडियो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा। स्टूडेंट आ रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनको क्लासेस जो है समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपको समझ में आ रही तो वीडियो का आंसर दी, क्वेश्चन का आंसर दी। चलिए क्या रहेगा, ऑप्शन आ रहा है डी, वेरी गुड, ऑप्शन बी आ भी आ रहा है संदीप जी, वेरी गुड, दीपक जी, एनी वन तो यहां से कमेंट करेगा, आएगा थर्ड इज करेक्ट आंसर, कौन सा सही है यहाँ पर, थर्ड है खजुराहो चंदेल ओके, किसने बनाया, खजुराहो जो है चंदेल राजा ने ठीक है, चुने चंदेल राजा ने, ऑप्शन थर्ड होगा, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे दीपक जी। चलिए इसके बारे में बताता हूँ, कमेंट थोड़ी देर के लिए ऑफ है, अब देखिए क्या है इसके बारे में। तो देखिए मदुरई अपने मीनाक्षी अंबा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, यानी मदुरई जो है किसके लिए, मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ओके। विशाल मंदिर ये परिसर जो है परिसर शिव का जो है परिसर शिव को समर्पित है, जिसे जहाँ सुदेश्वर क्या है, सुदेश्वर और उनकी पत्नी पार्वती या मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है ओके। और नेक्स्ट है हमारे पास मूल मंदिर का निर्माण जो है कुलशेखर पांडे द्वारा किया गया था, लेकिन मंदिर को आज के रूप से जो है शानदार बनाने का पूरा श्रेय किसको जाता है, नायक को जाता है ओके। तो एलोरा कहाँ है, राष्ट्रकूट ओके, राष्ट्रकूट में है एलोरा की गुफाएं ओके, यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश ने बनवाई ठीक है ओके। महावल्लीपुरम जो है पल्लव वंश ने बनवाया ओके, ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट और ये कई बार मैं एग्जाम में बता चुका हूँ ठीक है, ये बताते रहूंगा आगे भी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, पढ़िए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश पेगोला के देश के रूप में जाना जाता है, आंसर देना है, कमेंट करिएगा, पेगोला के नाम से किस देश को जानते हैं, मलेशिया, मॉरिशस, मालदीप या म्यांमार। बहुत अच्छे भार्गव जी का आंसर आ गया, बहुत अच्छे, एनीवन, दीपक जी आंसर कमेंट करें, संदीप जी, अंजलि, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, यादव जी आंसर कमेंट करें, क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए तो उत्तर जो है आएगा वह आएगा म्यांमार। क्या आएगा, म्यांमार को अक्सर क्या कहा जाता है, पेगोला की भूमि कहा जाता है, क्योंकि ये देश भर में कई जो है मंदिर और पेगोड़ा पाए जाते हैं। चलिए करेक्ट आंसर है, मैक्सिमम लोगों का सभी का सही है। अगला क्वेश्चन है लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत मुगल सम्राट कौन था। चलिए ओके ऑप्शन सी था, अगला क्वेश्चन है म्यांमार था, अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए Who was the Mughal Empire of India when the East India Company was established in London? आंसर कमेंट करेंगे, क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर, बड़ा कर देता हूं, नहीं दिख रहा है तो और अच्छे से दिख जाएगा। चले आंसर कमेंट करें क्या है यह प्रश्न, ऐसे भी प्रश्न जितने भी आप कर रहे हैं वह सारे बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। चल उत्तर करिए, यहाँ पर आएगा उत्तर ऑप्शन टू आएगा, बी आएगा अकबर रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, संदीप जी बिल्कुल सही है, भार्गव जी बिल्कुल सही है, आपका आंसर अकबर है। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए क्या है, बिल्कुल सही है अजय जी, आप हमारी जो है क्लासेस 6 बजे से स्टार्ट है और इसको वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगला क्वेश्चन देखिए ज्यूरिख जिससे यूरोप की वित्तीय राजधानी के रूप में जानते हैं, जिसको ज्यूरिख को ठीक है, किस देश में स्थित है। चलिए आंसर देना, आपको ज्यूरिख जो है वह यूरोप की वित्तीय राजधानी कहते हैं उसको, लेकिन आपको यह बताना है ये किस देश में है, नीदरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, फ्रांस में है या इटली में। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे सभी लोग। फ्रेंड्स वीडियो इंपॉर्टेंट लग रही है या नहीं लगी, क्या आपको मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन अच्छे थे या अच्छे हैं और भी अच्छे रहेंगे आने वाले समय में अगर आप हमारा साथ देंगे तो। चलिए सपोर्ट करेंगे तो और भी अच्छे से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा इसका आंसर क्या, आंसर दीजिए फ्रेंड्स क्या रहेगा।
किसी को नहीं पता, कोई बात नहीं है, इसका जो उत्तर आएगा वह आएगा ऑप्शन टू बी, भार्गव जी। दीपक जी स्विट्जरलैंड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ऑप्शन टू करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए क्या है, स्विट्जरलैंड में है, बहुत अच्छे। चलिए सभी का जहां पर आज सही आया, तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या रहे भैया, देखिए सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, ओके, या फिर यहां पर लिखा है स्विडाइन तथा श्वास ने जो है कोशिकाओं सिद्धांत प्रस्तुत किया, या फिर कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक द्वारा गढ़ा गया था, या ये सभी सही हैं, तो आंसर कमेंट करना। डी आ रहा है, ओके शिवानी जी, ओके ऑप्शन वन आ रहा है, वेरी गुड। एनी वन कोई आंसर कमेंट करेगा, संदीप जी, अंजलि जी आंसर कमेंट करें, क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर, तो उत्तर आएगा ऑप्शन आएगा फोर, यानी कि ये सारे कैसे हैं, सही हैं, ऑप्शन डी रहेगा, बिल्कुल सही है शिवानी जी, और यहाँ पर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए ऑप्शन आएगा डी, फोर सही, ऑल ऑफ एबव सही है भैया, ऑल ऑफ एबव बिल्कुल सही, चारों के चारों कैसे हैं, सही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे लिए, निम्न में से कौन सा सही है, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे क्या रहेगा, राइबोसोम डी वे डूबे, या फिर लाइसोसोम बोबेरी, या सेंट्रोसोम पेलाडे, या इसमें से कोई भी नहीं। आंसर देंगे, कमेंट करेंगे सभी लोग, शिवानी जी का आंसर आया, वेरी गुड। अंजलि, संदीप, दीपक, यादव जी, जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर दें, और फ्रेंड्स मुझे ये बता दीजिए, आंसर लिख के भेजिएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यस, और अगर बहुत अच्छी लगी है तो और के और अच्छा लिखिएगा, ओके। अगर आपको अच्छी लगे तो फ्रेंड्स थोड़ा सपोर्ट करिए, जो को भी शेयर करिएगा, ठीक है। गाइस काफी सारी वीडियोस आती हैं, तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर फोर इज करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर रहेगा फोर, ये रहेगा इसमें से कोई नहीं, तो भैया राइबोसोम जो है वह शब्द दिया पेलाडे ने, ओके ऑप्शन रहेगा फोर, इसमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। ओके तो लाइसोसोम जो है वो डी वुडवे ने दिया, थोड़ा उल्टा सीधा है, ठीक है, और यहाँ पर सेंट्रोसोम जो है वो वेबेरी ने दिया, ठीक है, समझ गए सभी लोग, समझ गए नहीं समझ गए, तीनों के तीनों आंसर मैंने समझा दिए हैं, और आप लोगों ने जितने भी क्लास अटेंड करी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फ्रेंड्स आप अगर अटेंड करेंगे 9 बजे वाली वीडियो, तो बहुत अच्छा आपको फील होगा, क्योंकि मैथ हम पढ़ेंगे, और भैया मैथ हम स्क्रीन पर नहीं पढ़ते हैं, मैथ हम बोर्ड पर पढ़ते हैं, और लाइव क्लासेस सारी रहती हैं, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। और सुबह आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, जो आज नहीं मिला था वो करंट अफेयर आप मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो करिए ऑनलाइन हिस्ट्री को, सपोर्ट करिए, और भी अच्छी क्लासेस मिलेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए, चलिए।